तो महाशक्तियों के महामंथन को लेकर राजधानी दिल्ली तैयार है। राजधानी दिल्ली इस वक्त उस किले में तब्दील है जहां परिंदा भी इजाजत पर भी पर नहीं मार सकता। G20 समिट से पहले जमीन से आसमान तक सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। दुनिया के टॉप सुरक्षा गार्ड विदेशी मेहमानों की हिफाजत के लिए तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और हर हाई राइज बिल्डिंग पर सेना के स्नाइपर्स की भी तैनाती की गई है। भीड़ से भरे दिल्ली के ये इलाके अगले 5 दिन तक आपको खाली नजर आएंगे। आसमान से लेकर जमीन तक, हर चौराहे, हर सड़क, हर गली तक कैमरों की पैनी नजर रहेगी। भारत मंडपम से राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग रूम तक एनएसजी के जवान G20 में पधारे मेहमानों के लिए कवच बनेंगे। पालम एयरपोर्ट से होटल के कमरे तक दिल्ली पुलिस के जवान दीवार बनकर रहेंगे, क्योंकि भारत इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, इसलिए पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। दिल्ली के जिन होटल में दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रुकेंगे, उन होटल की सुरक्षा के साथ साथ कार्यक्रम स्थल तक हर आने जाने वाले सभी रास्तों की जानकारियां भी इन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर की गई हैं। हर जानकारी को अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS की टीम को भेजा गया है। देश के इन टॉप होटल में सुरक्षा के साथ जरा भी समझौता नहीं होने दिया जा रहा। तरफ वो अपने देश के मुताबिक यहाँ पर टेलीविजन देखेंगे और दूसरा जो नज़ारा देखेंगे बाहर का, यहाँ पर देखिए सीधे यहाँ से कैनॉट प्लेस नज़र आएगा। लेकिन खास बात इसमें और भी है, सुरक्षा के खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और इसमें खास तौर पर बुलेट प्रूफ ग्लासेस इस तरीके के खास रूम्स में लगाई जाती हैं और यहाँ भी लगाई गई हैं। ललित होटल का ये रूम सुरक्षा के हर पैमाने पर खरा है। इस होटल में जापान और कनाडा के प्रधानमंत्री ठहरेंगे। दिल्ली में 9-10 सितंबर को होने वाली G20 समिट की सुरक्षा भारतीय सेना का खोजी दस्ता और बम निरोधक दस्ता करेगा। सेना सूत्रों के मुताबिक सेना ने ड्रोन के जरिए होने वाले संभावित हमलों को रोकने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया है। दिल्ली के जिन होटल में राष्ट्राध्यक्षों को रुकना है उसके पास करीब 40,000 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, जिनकी नजर से बचकर निकलना नामुमकिन है। जो समिट एरिया है इसके लिए दिल्ली पुलिस के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वो उनका फोकस्ड रोल है। बाकी जो तमाम दिल्ली क्षेत्र है जहाँ की का जो कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए और जिसका बियरिंग समिट के ऊपर भी, एक परसेप्शन के ऊपर भी, एक जनरल माहौल के ऊपर पड़ता है, वहाँ वो फ्लॉलेस एंड फेल प्रूफ हो, इसकी बिल्कुल फोकस्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। G20 के दौरान NSG की 12 से ज्यादा टीमों को G20 वेन्यू के साथ साथ दिल्ली की कुछ खास जगहों की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस की स्वात टीम के साथ क्विक रिएक्शन टीम यानी QRT भी हर वक्त राष्ट्राध्यक्षों के होटल के इर्द गिर्द तैनात रहेगी। मेट्रो से बस अड्डे तक, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह सुरक्षा घेरा तैयार है। तो हमने कोशिश की कि थोड़े और CCTVs इस तरह कवरेज के लिए लाए जाएं। तो अराउंड 70 के करीब CCTVs हमने इंस्टॉल करवाए थे इंडिपेंडेंस डे से, विच विल बी कंटिन्यूइंग टिल G20। आसमान से भी दिल्ली पर नजर रखी जाएगी। एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर लगातार गश्त करेंगे। हेलीकॉप्टर में सेना और NSG के कमांडो रहेंगे। हाई राइज बिल्डिंगों पर स्नाइपर तैनात रहेंगे। G20 की बैठक के दौरान जब विदेशी मेहमान दिल्ली में होंगे तो उनकी मूवमेंट कैसी होगी, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी और ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगी, इसकी रिहर्सल शुरू हो चुकी है। दिल्ली की जिन सड़कों से होकर विदेशी मेहमानों का काफिला गुजरेगा उन रास्तों पर सुरक्षा अब और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं G20 को लेकर ट्रैफिक की पुलिस की तरफ से? देखिए, दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर एक विस्तार से ट्रैफिक एडवाइजरी है, उसमें
जो राजकीय अवकाश है 8-9-10 तारीख का, उसके बारे में बताया गया है। नई दिल्ली NDMC या न्यू दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कंट्रोल जोन या नियंत्रण जोन बनाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। 7 और 8 की रात से जो है हैवी गुड्स व्हीकल्स, मीडियम गुड्स व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल्स, और उनको जो है कंट्रोल होगा बॉर्डर्स पर से, उसके बारे में बताया गया। पूरी दिल्ली में जो है सभी यातायात की जो सेवाएं हैं वो रिंग रोड के बियॉन्ड जो है, रिंग रोड से परे जो है, वो सामान्य रूप से चलती रहेंगी। सिर्फ नई दिल्ली का जो क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र है, जहां पर शिखर सम्मेलन होगा, जहां पर और व्यापक सुरक्षा इंतजाम रहेंगे, उसको नियंत्रण जोन में रखा गया है। वहां पर भी सभी मेट्रो सेवाएं जो है नई दिल्ली में भी और बाकी दिल्ली में चलती रहेंगी। वहाँ पर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं नई दिल्ली के क्षेत्र में वो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं वहाँ पर भी चलती रहेंगी। नई दिल्ली के अलावा पूरी दिल्ली में सारी मार्केट्स, शॉप्स, मॉल्स वगैरह जो हैं वो खुले रहेंगे। G20 के थीम वसुधैव कुटुंबकम है, यानी एक पृथ्वी एक देश एक परिवार। G20 के लिए दुनिया भर के नेता देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बजाय चीन के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं। शी जिनपिंग के भारत नहीं आने की आखिर क्या वजह है? आखिर क्यों जिनपिंग ने G20 में अपना आना कैंसिल कर दिया? इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। G20 के लिए मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। इस समिट को कामयाब और यादगार बनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। इस समिट में बाइडन भी होंगे, ट्रूडो भी होंगे, ओलाफ भी होंगे और सुनक भी होंगे। लेकिन इस समिट में नहीं होंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जिनपिंग के नहीं आने के पीछे की वजह क्या है? G20 समिट को लेकर शी जिनपिंग की सोच क्या है? हम आपको बताएंगे, पूरी तस्वीर समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन को सुनाते हैं, जो शी जिनपिंग के G20 में नहीं आने को कैसे समझते हैं। The question of tensions between India and China affecting the summit, really that's up to China. If China wants to come in and play the role of spoiler, of course that option is available to them. G20 के लिए जिनपिंग की बजाय चीन के प्रधानमंत्री भारत पहुंच रहे हैं। 2013 में चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही जिनपिंग ने हर G20 बैठक में हिस्सा लिया है, लेकिन ये पहली बार है कि जिनपिंग इस बैठक से नदारद रहेंगे। उसके पीछे वजह मानी जा रही है भारत चीन सीमा विवाद। कुछ वक्त पहले चीन ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को खुद का हिस्सा दिखाया था, जिसका भारत ने विरोध किया था। उधर सीमा विवाद पर भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है। पूर्वी लद्दाख और देपसांग और डेमचोक जैसे पॉइंट से चीन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले 6 महीने में चीन की अर्थव्यवस्था के लिए कई बुरी खबर सामने आई, जिसमें धीमी होती विकास दर, युवाओं की रिकॉर्ड बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, कमजोर मुद्रा और कमजोर निर्यात। दरअसल शी जिनपिंग इस वक्त अपने देश के अंदरूनी हालात पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है और इसलिए अपने देश में ही रहकर शी जिनपिंग नई नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इस बात को आप ऐसे समझे कि पिछले 9 महीने में 5 बार सिर्फ शी जिनपिंग अपने देश के बाहर गए हैं। न ही वो आसियान समिट में हिस्सा ले रहे हैं और न ही G20 की बैठक में। इन दोनों बैठकों में चीन के प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर में फेल। जिनपिंग जानते हैं कि चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसे में वो सबसे पहले चीन में रहकर अपनी बुनियाद को मजबूती देना चाहते हैं। खबर है कि चीन की खराब होती अर्थव्यवस्था के लिए रियल एस्टेट सेक्टर ज्यादा जिम्मेदार है। पिछले 20 सालों में इस सेक्टर ने चीन ने तेजी पकड़ी, लेकिन कोरोना के बाद से हालात
बिगड़ते चले गए और 2020 में तो प्रॉपर्टी के मांग में बड़ी तेजी से गिरावट दर्ज की गई। इन सभी बातों का शी जिनपिंग के दिमाग में डेरा है और उन्हें डर है कि गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और भारत से खराब रिश्तों की वजह से अगर उनकी आवाभगत नहीं होती है तो दुनिया की नजरों में चीन का दबदबा कम होगा, इसलिए वो प्रधानमंत्री ली कियांग को G20 के लिए भेज रहे हैं।